मानसी सिंह, रुक करते हैं आगे की खबरों के लिए। शुक्रवार को गांव में सुख समृद्धि एवं जल संकट को लेकर हवन की आहुति के साथ आकर्षक विसर्जन जुलूस का आयोजन किया गया। मौके पर शोभा यात्रा में हाथी, ऊंट, घोड़े के साथ विभिन्न देवी देवताओं जैसे शंकर, राम, लक्ष्मण, हनुमान, नारद जी की आकर्षक झांकी निकाली गई। झांकी का नेतृत्व जनता दल यू के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव डॉक्टर ज्योति प्रसाद उर्फ शत्रुघ्न पंडित ने किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन गांव के सुख समृद्धि मां दुर्गा एवं इंद्र देवता को खुश कर बारिश के लिए किया गया है। धार्मिक अनुष्ठान व धार्मिक आयोजन से शांति एवं सद्बुद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। भगवान नाम का उच्चारण मात्र ही व्यक्ति को असीम शांति प्रदान करता है। पूजा के आचार्य पंडित संतोष पाठक, पंडित सुभाष पाठक, पंडित संजय मिश्र ने बताया कि गुप्त नवरात्रि में देवी की साधना ज्यादा कठिन होती है। इस दौरान मां दुर्गा की आराधना गुप्त रूप से की जाती है, इसलिए इन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। पूजा समिति के सदस्य सुधीर शर्मा, सुगन सिंह, राम नरेश सिंह उर्फ महन, अनिल शर्मा, राम अयोध्या, पिंटू शर्मा, सरोज शर्मा, विमलेश कुमार, विवेकानंद कुमार, धनंजय कुमार, कमलेश ठाकुर, विमलेश कुमार आदि बड़ी संख्या में लोग शोभा यात्रा में शामिल होकर श्रद्धा विश्वास के साथ कलश विसर्जन किया। देवी मंदिर से बाजे गाजे के साथ निकाली गई कलश विसर्जन शोभा यात्रा काली घाटी स्थित पुनपुन नदी में विसर्जन किया गया। जिस गली, जिस रास्ते से विसर्जन जुलूस गया, उस गली में लोगों की भीड़ उमड़ गई।